आइए एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। योगी राज में भी परेशान हिंदू धर्म के लोग घर बेचकर पलायन करने की कर रहे हैं बात। दरअसल रामपुर में दो समुदायों के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े ने लिया हिंदू मुस्लिम धर्म का रूप। पुलिसिया कार्रवाई से क्षुब्ध होकर हिंदू समुदाय के लोग घर बेचकर पलायन करने को मजबूर। पुलिस मामले पर डाल रही है पर्दा, किया खंडन जारी। रामपुर के थाना टांडा के नगर में दो समुदायों के लोग रहते हैं। मुस्लिम समुदाय के कुछ युवक रामचंद्र के घर में घुसकर नल में मुंह लगाकर पानी पीने लगे। रामचंद्र की बेटी ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। मामले की पुलिस को तहरीर दी गई। पुलिस ने झगड़े का अल्पीकरण कर शांति भंग में चालान कर दिया था। पुलिसिया कार्रवाई से नाराज रामचंद्र के परिजन और मोहल्ले वाले हाथों में तख्ती लेकर आज विरोध जताने लगे हैं। अपने घर बेचकर पलायन करने की बात करने लगे। महिलाओं ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। पुलिस को जैसे ही विरोध प्रदर्शन और पलायन की सूचना मिली तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और मामले को दबाने में पुलिस लग गई। पुलिस के आला अधिकारियों ने आनंद फानन में खंडन भी जारी कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। पलायन मामले में पुलिस ने जारी किया बयान। पुलिस बोली, पलायन जैसी कोई स्थिति नहीं है। रामपुर पुलिस पलायन जैसी किसी घटना का खंडन नहीं करती है। रिपीट, रामपुर पुलिस पलायन जैसी किसी घटना का खंडन करती है। अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने कहा कि थाना टांडा के मोहल्लो टंडोला में इम्तियाज और रामचंद्र दोनों पड़ोसी हैं। 28 मई को इम्तियाज के बच्चे कैरम खेल रहे थे और शोर मचा रहे थे। इस पर रामचंद्र के परिवार ने ऑब्जेक्शन किया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में गाली गलौज हो गई और मारपीट हो गई। रामचंद्र की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसमें कार्यवाही की जा चुकी है। पलायन जैसी कोई स्थिति नहीं है। रामपुर पुलिस पलायन जैसी किसी घटना का खंडन करती है। डॉक्टर संसार सिंह एएसपी ने बताया कि झगड़ा हुआ था जिसमें आरोपी को जेल भेजा गया था। जहां तक पलायन की बात है वह बिल्कुल गलत है। पीड़ित महिला ने बताया कि दो समुदाय में झगड़ा हुआ था, उसके बाद पुलिस हम लोगों की सुन नहीं रही है और दूसरा पक्ष हम पर हावी है। ऐसे में हम लोगों को मकान बेचकर जाना ही पड़ेगा। प्रतापगढ़ के मंधाता थाने का मामला, जहां शराबी दूल्हे से शादी करने से दुल्हन ने किया इनकार। शादी में दूल्हे, उसकी बहन और बारातियों को बनाया गया बंधक। नशे में धुत दूल्हे के साथ लड़की ने डांस करने से मना किया तो हुआ जमकर हंगामा। दूल्हे को नशे में देखकर घरातियों में मचा हड़कंप। दूल्हा और उसकी बहन समेत बारातियों को बनाया गया बंधक और पिटाई भी की गई। काफी मान मनोबल के बाद बारातियों को छोड़ा गया, लेकिन दूल्हा और परिजन बने रहे बंधक। पुलिस की मौजूदगी में चली पंचायत में। वर पक्ष शादी को तैयार था, लेकिन लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। समझौते के लिए चल रही पंचायत ने वर पक्ष से दहेज के 5 लाख वापसी पर हुआ समझौता। मंधाता के अनिहा से आई थी बारात। मुरादाबाद के एक व्यापारी का बदमाशों ने अपहरण कर फिरौती की रकम वसूलने के बाद उसकी हत्या कर शव को बिजनौर के थाना स्योहारा क्षेत्र के जंगल में डाला। बिजनौर पुलिस ने शव की पहचान कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। बिजनौर के थाना स्योहारा क्षेत्र में मुर्तजा नगर रोड के पास एक शव मिलता है, जिसकी सूचना आसपास के लोग थाना पुलिस को देते हैं। पुलिस ने शव की पहचान मुरादाबाद जनपद के कुलदीप नाम के व्यक्ति के रूप में की। दो दिन पहले कुछ बदमाशों ने कुलदीप का अपहरण कर लिया था, जिसकी प्राथमिकी थाना पगवाड़ा क्षेत्र में करा दी गई थी। पुलिस भी इसकी तलाश में लगी हुई थी। जानकारी मिली है कि कुलदीप की पत्नी के द्वारा बदमाशों को 4 लाख की फिरौती भी दे दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बदमाशों ने कुलदीप की हत्या कर शव को बिजनौर के थाना सिहारा क्षेत्र में फेंक दिया है। पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुट गई है। मामला मुरादाबाद थाने के पगवाड़ा में दर्ज है। दो सांपों का अलग अलग जोड़ा क्षेत्र में बना कौतूहल का विषय। दोनों सांपों के जोड़े आपस में एक दूसरे से लिपटे हुए खेलते देखे गए काफ़ी देर तक। ग्रामीणों ने सांपों के इस खेल को कर लिया कैमरे में कैद। सांपों के इस खेल को देखने में जुटे ग्रामवासी। करीब 2 घंटे तक सांपों का यह खेल चला, जिसके बाद दोनों जोड़े चले गए। सांपों का यह खेल पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरा नज़ारा जिला एटा के जैथरा थाना क्षेत्र के ग्राम सहोरी गाँव का बताया जा रहा है। एटा में दबंगों का कहर। बहनों से छेड़छाड़ का विरोध करने पर तीनों भाइयों को मारी गोली, तीनों घायल। बाग में लकड़ी और कंडे बीनने गई दो बहनों के साथ दबंगों ने छेड़छाड़ और मारपीट की। बहनों से छेड़छाड़ और मारपीट की सूचना पर पहुंचे 3 भाइयों पर भी दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग में तीनों भाइयों के लगी गोली। गोली लगने से घायल तीनों भाइयों को पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। दबंग आरोपी अचलपुर गांव के रहने वाले हैं, जबकि पीड़िता किशोरी और घायल तीनों भाई अन्य दूसरे गांव के रहने वाले हैं। आरोपित ने थाना बागवाला क्षेत्र के अचलपुर गांव के पास घटना को दिया अंजाम।